जादुई शहर। फिलिप हेल्डिन अपनी बड़ी बहन के साथ एक छोटे से सुंदर कॉटेज में रहता था। उसकी बहन और वो साथ में इतने खुश थे कि फिलिप ने सोचा कि जब तक हेलेन उसके साथ है, अपनी कहानियों के साथ और उनके खेल के साथ, उन्हें दुनिया में किसी और की कोई जरूरत नहीं थी। पर एक दिन एक अजनबी उन्हें मिलने के लिए आया। पूरी शादी में फिलिप मुंह फुलाकर बैठा था, और यहाँ तक कि उनके नए घर ग्रेंज फार्म में भी, जहाँ उसे हेलेन, मिस्टर ग्रहम और उनकी बेटी लूसी के साथ रहना था। हेलो, तुम जरूर फिलिप हो? हाँ। और हमारे फार्म में स्वागत है। हमारा घर इससे अच्छा था। सुनो, क्यों ना खाना खाने के बाद मेरे प्ले रूम में चलते हैं? बत्तियाँ बंद होते ही हम बाहर खिसक जाएंगे। अपनी कैंडल लो और मुझे अपने कमरे के बाहर मिलो। फिलिप हेलेन को इतना मिस कर रहा था कि उसने मन बना लिया था कि वो अपनी नई जिंदगी में हर चीज से नफरत करेगा। पर रात को इस तरह बाहर निकलना जब सब सो रहे होंगे, ये सोचकर उसे मजा आ रहा था, तो वो अपने बिस्तर से उतरा, कैंडल लिया और बाहर निकल गया। लूसी उसका इंतजार कर रही थी। इस तरफ। इतने बड़े प्ले रूम को देख कर फिलिप हैरान रह गया। वाह, देखो तो तुम्हारे पास क्या क्या है। जरा इस जहाज को देखो, ये कैप्टन नोआ का जहाज है ना? हाँ ये है। और ये ब्रिक्स का डिब्बा, और मेरे सिपाही, और वो खेतों के जानवर, और किसान वाले गुड्डे, वो जादूगर और चुड़ैल। ये रेत के डिब्बे। तुम किसके साथ खेलना चाहोगे? किसी के साथ भी नहीं, पर सबके साथ भी। क्या मतलब है तुम्हारा? चलो एक शहर बनाते हैं। तो फिलिप और लूसी मिलकर एक बड़ा विशाल शहर बनाने लगे। शहर बहुत सुंदर था और सच में बहुत विशाल भी। तभी अचानक, अंदर कौन है? ओह, नहीं। तुम दोनों अभी भी जगे हुए हो? और ये क्या? ये वही डाइनिंग टेबल का कैंडल स्टैंड है ना? और मेरी सिल्वर ट्रे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नर्स, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं लौटते, मैं यहाँ इंचार्ज हूँ। चलो तुम दोनों सोने चलो। कल सुबह फिर से मुझे ये सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा। नहीं, आप हमारे शहर को नहीं तोड़ सकती। मुझे इसे हेलेन को दिखाना है, उसे बहुत पसंद आएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। बच्चे बहुत उदास हुए और गुस्सा भी। उन्हें सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उनकी मेहनत पानी में जाने वाली है। वो फिर से प्ले रूम में घुस गए एक आखिरी बार अपने बनाए हुए शहर को देखने के लिए। और फिर तभी कुछ अजीब सा हुआ। एक कॉमेट आकाश से गुजरा और हम कहाँ हैं? क्या ये एक सपना है? पर हम तो सोए ही नहीं थे। जहाँ तक वो देख सकते थे, वहाँ मीलों मीलों तक सिर्फ घास ही घास थी। वहाँ पर बस उन्हें सिर्फ एक सीढ़ी दिखाई दी। क्या लगता है, हमें इस पर चढ़ना चाहिए? मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा यहाँ पर। तो फिलिप और लूसी सीढ़ी पर चढ़े और वो सीढ़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद वो एक विशाल टावर के ऊपर पहुँच गए और उन्हें कोई दिखाई दिया जो जल्दी जल्दी लिखाई कर रहा था। फिलिप, ये कैप्टन नोआ की तरह नहीं दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। फिलिप, ये डोम्स और ब्रास बॉल्स वही है ना जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, लगते तो वही है। हाँ, ये वही है। मतलब? वैसे तुमने पता लगा ही लिया होगा, ये वही शहर है जो तुम दोनों ने बनाया था, इसीलिए तुम यहाँ हो। मतलब? तुमने ये शहर बनाया। आंसू बड़े कमाल के होते हैं। जब तुम्हारे आंसू शहर पर पड़े, और वो भी ऐसे समय पर जब आकाश में कॉमेट गुजरा, तो जादू हुआ और तुम यहाँ आ गए। सच में? पर हमने इतने सारे लोगों को तो बनाया ही नहीं, तो ये सब लोग कहाँ से आ गए? और हमने बिल्डिंग के अंदर तो काम किया ही नहीं था, तो ये सब कैसे? इतने सारे सवाल। वैसे शहर बनाने के लिए तुमने बहुत सी चीजों का इस्तेमाल किया, और वो चीजें किसी और ने बनाई। जैसे जिस इंसान ने इस चेसमैन को बनाया वो यहाँ है, जिसने लकड़ी को तराशा, पेंट किया, पैक किया और बेचा,
वो सब यहाँ पर हैं। यही वो लोग हैं और इन्होंने ही बिल्डिंग के अंदर काम भी किया है। वाओ, पर वो यहाँ कैसे आए? अपने सपनों में जब वो सो जाते हैं और सपना नहीं देखते, वो यहाँ आके रहने लगते हैं जैसे यहीं के हों, और जागते ही वो वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं पहले की तरह। सिंपल। सर, हमारी बात सुनिए, हमें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। घर पर सब लोग परेशान हो रहे होंगे। उसके लिए कम से कम तुम्हें दो अच्छे काम करने होंगे। उसमें से एक मिशन होगा तुम्हारे लिए। हम जरूर उस मिशन को पूरा करना चाहेंगे, पर सर उसमें बहुत समय लगेगा। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर तुम यहाँ पर 1000 साल भी रह लो, तुम वापस जाओगी तो वो एक पल जैसा लगेगा। क्या? सच में। ओके, तो हमारा मिशन क्या है? यहाँ से थोड़ी दूर एक आइलैंड है, हैप्पी आइलैंडर्स का आइलैंड। वहाँ लोग खुश हैं, पर उन्हें एक चीज का डर है। किसी तरह तुम्हें उनके डर को मिटाना होगा। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ। जब फिलिप और लूसी हैप्पी आइलैंडर्स के आइलैंड पर पहुँचे तो वहाँ के लिटिल चीफ ने उनका अच्छे से स्वागत किया। आइए, उम्मीद है तुम्हें भूख लगी हो। इस तरफ। आइलैंड को तो मैंने और हेलेन ने एक दिन बीच पर बनाया था और हमने इसका नाम हैप्पी आइलैंड रखा था। जो सब तुमने बनाया है वो यहाँ है। फिलिप और लूसी की शान में एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया था और उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया। हमें बताया गया है कि तुम किसी चीज से डरते हो, वो क्या है? हम लोगों को उससे डर लगता है। ऐसा लगता है एक दिन तूफान आएगा, लहरें उठेंगी और आइलैंड को बर्बाद कर देंगी। ये तो सच में डरने की बात है। पर अब तुम लोगों को हमारी मदद करनी होगी। फिलिप और लूसी ने अच्छे से सोचा कि कैसे वो सागर की लहरों को उठने से रोक सकते हैं। बहुत दिन बीत गए और एक दिन, अगर हम सागर को अलग नहीं कर सकते, हम यहाँ के लोगों को अलग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। क्या बात है लूसी? क्या हमें कैप्टन नोआ की जरूरत है। तो ये है प्लान। क्या आपको वो हाई टावर दिख रहा है? हमें एक बोट बनानी होगी, बड़ा शिप। मतलब कि जब आप टावर पर हो और सागर में तूफान आए तो हमारे हैप्पी आइलैंडर्स उस शिप में जा सके, जो आसानी से पानी में तैरेगा और हमारे आइलैंडर्स भी सुरक्षित रहेंगे। क्या बात है फिलिप, ये कमाल का आइडिया है। और इस तरह टावर पर एक बहुत बड़ी शिप बनाई गई। अब हैप्पी आइलैंडर्स को डर नहीं लग रहा था और उसी रात को जब शिप तैयार हुई तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। उस आइलैंड पर अलार्म बजने लगा और हर आइलैंडर, इंसान या जानवर, उस शिप में घुस गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। जल्दी ही शिप पानी पर तैरने लगी। ये कई दिन और कई रातों तक तैरती रही। और एक दिन, फिलिप, एक ना एक दिन बोट में जो खाना है वो खत्म हो जाएगा और जानवरों को घूमने के लिए और आजाद जिंदगी के लिए खुली जगह की जरूरत होगी। आइलैंडर्स सेटल हो जाएं, उसके लिए हमें एक जगह ढूंढनी होगी। पर कहाँ? तुमने शायद एक और आइलैंड बनाया था ना? राजकुमार और राजकुमारी के आइलैंड में पेड़ होंगे जिसमें चॉकलेट्स उगेंगी और फूल जो जेली और आइसक्रीम के होंगे, और ऐसे पेड़ होंगे जहाँ पे फूल और फल दोनों एक साथ उगेंगे, और वहाँ तक सागर की लहरें नहीं पहुँच पाएंगी, वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। पैरेट, तुम ही ने कहा था ना कि जो भी अब तक मैंने बनाया है वो सब यहाँ पर है। हाँ, तो मुझे राजकुमार और राजकुमारी के आइलैंड पर ले चलो। दाएं मुड़ो कैप्टन। शिप उस आइलैंड पर पहुँचा जो हेलेन और फिलिप ने मिलकर बनाया था। फिलिप तुरंत वहां कूदा और नर्म घास पर दौड़ने लगा, पर जैसे ही दूसरों ने कोशिश की, घास तेज नुकीले भाले और सुइयों में बदल गई। आओ, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ और कोई नहीं। तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी इस आइलैंड पर नहीं आ सकेगा। हाँ, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी इस आइलैंड पर नहीं आ सकेगा। इसलिए काश हेलेन यहाँ पर होती। हेलेन, यही रुको। हेलेन, तुम यहाँ?
हाँ, मैं यहाँ एक सपने में आई क्योंकि तुम चाहते थे मैं आऊँ। हेलेन, ये आइलैंड कितना सुंदर है। ये आइलैंड मैंने और तुम्ही ने बनाया था, याद है? इसलिए ये मैं किसी को नहीं देना चाहता, पर साथ ही मैं आइलैंडर्स की मदद करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ? फिलिप, आइलैंड की ज्यादा जरूरत किसे है? पर हमने कहा था कि तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी यहाँ नहीं आएगा। हाँ, इसलिए हम इसे अभी के अभी बदल सकते हैं। पर ये हमने बनाया है, ये हमारा है। और हम और भी बनाएंगे साथ में। सच में? पर तुम्हारी तो शादी हो गई है। फिलिप, मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन रहूंगी और मैं हमेशा तुम्हें उतना ही प्यार करूंगी। वैसे तो मैं ये बात जानता था, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू। और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। कोई बात नहीं। तो फिलिप ने अपना और हेलेन का वो सुंदर आइलैंड उन हैप्पी आइलैंडर्स को दे दिया, जहाँ पर वो हमेशा खुश और सुरक्षित रहेंगे। और फिलिप को शुक्रिया करने के बाद और पेड़ से कुकीज और केक और संतरे और तरबूज खाने के बाद, कैप्टन नोवा ने एक बड़ा ऐलान किया। वैसे मिस्टर फिलिप और मिस लूसी, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। तुम दोनों ने ना सिर्फ आइलैंडर्स के मन से डर को हटाया, बल्कि मिस लूसी, तुमने उनके रहने के बारे में सोचा, और मास्टर फिलिप, तुमने उन्हें ये आइलैंड दिया जो तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम दोनों बहुत ही दयालु और अच्छे और रहम दिल हो। अब वादे के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा। फिलिप और लूसी ने खुद को अपने प्ले रूम में पाया। क्या ये सच था? हाँ, देखो मेरे पास उस पेड़ से निकला हुआ एक चॉकलेट चिप कुकी है, हम दोनों के लिए, और ये दुपट्टे आइलैंड की निशानी। वाह, थैंक यू। तो बच्चों, फिलिप और लूसी अपने इस एडवेंचर को कभी नहीं भूलेंगे। हम भी आपसे कहेंगे कुछ बड़ा और बहुत ही सुंदर बनाओ। क्या पता जब एक चांदनी रात में कॉमेट गुजरेगा तो कुछ भी हो सकता है।